नमस्कार जय भवानी दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एंडबिशन क्लासेस 2019 में तो दोस्तों जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास टेन से एक बार फिर से क्लास टेन से टॉपिक लेके आए हैं और आज का टॉपिक भी रहने वाला है फ्यूल ओके बहुत ईजी टॉपिक रहने वाला है फ्यूल तो आज हम इस पर ही डिस्कस करने वाले हैं तो इससे पहले दोस्तों एक इंफॉर्मेशन दे दें जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि बोर्ड की डेट कब आएगी तो बोर्ड की डेट दोस्तों आ चुकी है ओके तो बोर्ड की डेट आपके फेबररी में स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम और मार्च में एंड हो जाएंगे तो लग जाइए एक तैयारी पे और दिखा दीजिए अपने आपकी पूरी एनर्जी कि कितनी एनर्जी है और आप कितना गेन कर सकते हैं दिखा दीजिए आप भी सबको कि एमबीशियस स्टूडेंट क्या कर सकते हैं ओके करके लेके 90 प्लस और वी कैन से डेट नाइन्टी परसेंट लाइए मेहनत में लगे रहिए आप जैसा चाहेंगे वैसी क्लास चलेगी ओके दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना देर किए बिना डिले किए टॉपिक का नाम होगा फ्यूल ओके तो दोस्तों अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें आप एक लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से भी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम डेट शीट को ओके तो दोस्तों बात करेंगे आज हम फ्यूल को एक्चुअली सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल एक्चुअली में होता क्या है फ्यूल एक्चुअली वॉट फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है मीन्स फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें एनर्जी निकलती है और किस फॉर्म में निकलती है हीट में किस फॉर्म में निकलेगी हीट में और इस हीट एनर्जी का उपयोग इसी हीट एनर्जी का यूज़ हम अलग अलग पर्पस में करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं फ्यूल के बारे में मीन्स फ्यूल इज अ सब्सटेंस फ्यूल इज अ सब्सटेंस डेट हैज डेट हैज एनर्जी स्टोर्ड इन इट फ्यूल क्या होता है एक सब्सटेंस होता है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है ओके व्हेन वी बर्न व्हेन वी बर्न फ्यूल मा दे एनर्जी देन द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट इजिट के लिए किस फॉर्म में निकलती है हीट के फॉर्म में दिस एनर्जी दिस हीट एनर्जी दिस हीट एनर्जी इज यूज this heat energy is used for various purpose for various purpose such as cooking food cooking food cooking food heating in thermal in thermal power plant in thermal power plant कोमा ई दोस्तों देखते हैं क्या होती है एक्चुअली फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस डेट हैज़ एनर्जी स्टोर्ड इन इट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है वैन बी वन फ्यूल जब हम फ्यूल को जलाते हैं देन द एनर्जी इज रिलीज एंड दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ओके इसमें क्या निकलती है एनर्जी निकलती है और ये किसके फॉर्म में होती है हीट के फॉर्म में होती है दिस हीट एनर्जी इज यूज फॉर देन वी यूज़ दिस हीट एनर्जी फॉर डिफरेंट डिफरेंट फॉर वेरियस purpose such as को cooking कुकिंग फूड फूड बनाने में हीटिंग के लिए और थर्मल पावर प्लांट में भी हम इसका यूज़ करते हैं फॉर क्या करने के लिए वाटर को हीट करने के लिए जिससे स्टीम निकलती है देन वी सॉरी दैन वी फॉल दिस स्टीम देन वी पास दिस स्टीम ओवर द टरवाइन एंड द टवाइन रोटेट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ टर्वाइन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसड तो जब हम इससे क्या थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं वाटर को हीट करने के लिए हीट करके क्या बनाते हैं उससे स्टीम और उस स्टीम को किसके ऊपर डालते हैं टर्बाइन के ऊपर जब टर्बाइन के ऊपर डालते हैं तो टर्बाइन घूमता है और क्या प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ओके दोस्तों तो ये क्या है फ्यूल है सिंपल फ्यूल है फ्यूल के अंदर एक ही बात समझनी है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है जब जलाएंगे तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो निकलेगी और हीट के फॉर्म में निकलेगी नेक्स्ट आती है फोजिल फ्यूल एक फोजिल दोस्तों एक फोजिल फ्यूल होता है एक्चुअली होता क्या है फोजिल फ्यूल फोजिल फ्यूल की बात करें तो फोजिल फ्यूल एक्चुअली में क्या होता है कि ये एक रिमेंस होता है रिमेन होता है बचा हुआ पार्ट होता है किसका प्री हिस्टोरिक एनिमल और प्लांट का इज इट क्लियर हमने कहा गया कि एक्चुअली में क्या होता है फोजिल ये जो होता है वो क्या रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल विच बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर अगो जो लाखों साल पहले धरती के अंदर प्लांट दब गए थे तो उसका क्या हो गया वो दब गए तो वो क्या हो गया प्री हिस्टोरिक एंड प्लांट्स हो गए और कुछ एनिमल्स दब गए तो उसमें वो डिकम्पोज होकर क्या बन गया फोजिल बन गया ओके फोजिल फ्यूल बन गया वो फ्यूल बन गया एक तो यही क्या कहलाता है फोजिल फ्यूल कहलाता है देखते हैं डेफिनेशन कैसे होती है फोजिल फ्यूल fossil fuel is the remains of prehistoric prehistoric plant and animals and animals which buried which buried under the earth crust under the earth surface under the सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ ओवर्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर अगो ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर अगो ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो लाखों साल पहले जो प्लांट और जो एनिमल धरती के अंदर दब चुके थे प्लांट और यू एनिमल धरती के अंदर दब चुके थे तो वो क्या हो गए वो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता गया और किस में चेंज हो गए एक फ्यूल में चेंज हो गए और जिसको क्या बोलते हैं फोजिल फ्यूल बोलते हैं ये एक्चुअली में होता क्या है रिमेन्स होते हैं प्री हिस्टोरिक एनिमल और प्लांट के ओके सो हाउ कैन यू राइट द डेफिनेशन फोजिल फ्यूल इज़ द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल दीज आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिकल प्लांट एंड एनिमल ये प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल के क्या होते हैं रिमेन्स होते हैं जो लाखों साल पहले धरती के अंदर दब गए थे एग्जाम्पल कोल पेट्रोलियम कोमा कोमाइटीसी बिकॉज बिकोज दीज सब्सटेंस बिकॉज दीज सब्सटेंस बिकॉज दीज सब्सटेंस आर फोम्ड दीज सब्सटेंस फोम्ड बाय द These substance formed by the decomposition, decomposition. These substances formed by the decompositions of prehistoric, prehistoric, plant and animal, plant and animals which buried under the earth crust, which buried. अंडर द अर्थ क्रस्ट या अर्थ सरफेस ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर गो ओवर द मिलियंस ऑफ ईयरसो सिंपल चीज है दोस्तों समझ लेते हैं फोजिल फ्यूल तो हमने बता दिए थे एग्जाम्पल कोलो पेट्रोलियम होता है क्यों क्योंकि ये सब्सटेंस कैसे बने हैं डिकम्पोजिशन होके बने हैं जो धरती के अंदर प्रीस्टोरिक प्लांट एनिमल दब गए थे उनका क्या हुआ डिकम्पोजिशन हुआ जैसे डिकम्पोजिशन हुआ तो फिर क्या हो गया जो लाखों साल पे दब गए थे उनका डिकम्पोजिशन होके ये बने हैं तो हमने कहा गया डिकम्पोजिशन होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है जो फ्यूल बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं फोजिल फ्यूल बोलते हैं तो तभी हम कोल और पेट्रोलियम को क्या बोलेंगे फोजिल फ्यूल बोलेंगे ओके दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीन भी ले सकते हैं ओके okay, दोस्तों अब यहां पर एक वर्ड आया कोल तो अब हम कोल के बारे में पढ़ेंगे कोल एक्चुअली में होता क्या है ओके okay. कोल कोल क्या होगा एक्चुअली में बताओ क्या होता है कोल कोल क्या होता है पता ही तो अभी है कि फोजिल फ्यूल होता है ओके okay. कोल क्या होता है फोजिल फ्यूल होता है लिख देते हैं कोल सबसे पहले हेडिंग कोल कोल एक्चुअली क्या होगा अगर कहें तो फोजिफिल तो होता है बट कोल इज द मिक्सचर ऑफ कोल इज द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्री कार्बन ऑल्सो मीन्स कोल इज द मिक्सचर वॉट इज कॉल कोल इज द मिक्सचर एक एक चीज दोस्तों समझते रहो यहां से ही ये एक ऐसा पार्ट है जो स्टूडेंट नहीं करते मोस्टली इसको छोड़ देते हैं कि ये इजी पार्ट है कर लेंगे बट मोस्टली केस बेस स्टडी क्वेश्चन यहीं से आता है दोस्तों ध्यान रखना यहीं से इसी टाइप के रीजन यहां से क्वेश्चन बनता है केस बेस स्टडी जो कैरी करता है फोर मार्क्स का फोर टू फाइव मार्क्स का ओके okay? तो दोस्तों अच्छे से करना इसको ओके कोल इज द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कंपाउंड ऑफ कार्बन कोमा हाइड्रोजन कोमा ऑक्सीजन एंड फ्री कार्बन एंड फ्री कार्बन जिसके लिए क्या होता है ये मिक्सर होता है किसी कार्बन के कंपाउंड का हाइड्रोजन के कंपाउंड का ऑक्सीजन के कंपाउंड का और फ्री कार्बन का ओके नेक्स्ट सम अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन आर ऑल्सो प्रेजेंट प्रेजेंट इन इट इसमें क्या भी होता है नाइट्रोजन और सल्फर का भी कुछ अमाउंट इसके अंदर होता है दोस्तों ओके तो ये क्या थी कोल की डेफिनेशन थी अब बात आती है बनता कैसे है तो अभी हमने बताया कि क्या कोल क्या है एक कोल इज अ फोजिल फ्यूल Which is formed by the decomposition, which is formed by the decomposition of prehistoric plant and animals which buried under the earth's crust over the millions of years. This one is the formation. Means formation is what? Yes, coal coal is formed. बाय द डिकम्पोजिशन बाय द डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन बाय द डिकम्पोजिशन और प्री हिस्टोरिक प्रीहिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल प्लांट एंड एनिमल प्लांट एंड एनिमल्स दो तो एनिमल मूवी नहीं एनिमल्स और जानवर्स प्लांट और एनिमल्स डिकम्पो द प्लांट और विच 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 बरीड, बरीड अंडर द अर्थ अंडर द अर्थ सरफेस, अंडर द अर्थ सरफेस ओवर द मिलियंस ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऑफ ईयर्स अगो जो क्या थे हमने का कोल कैसे बनता है डिकम्पोजिशन से बनता है किसके जो प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल थे धरती के अंदर दब गए थे उनका डिकम्पोजिशन होके सम पीपल बिलीव डेट कुछ पीपल क्या मानते हैं सम पीपल्स सम पीपल बिलीवड डैट बिलीव डेट वट वट क्या मानते हैं सम पीपल बिलीव डेट द फॉरेस्ट सम पीपल बिलीव डेट द कोल ये नहीं सिंपल सी चीज लिखते हैं सम पीपल बिलीव डेट मिलियंस ऑफ ईयर अगो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ईयर्स अगो ड्यू टू वर्ल्ड ड्यू टू वर्ल्ड कैनोज तो जानते हो वो, दोस्तों वर्कनोज होता है फ्रेंड्स क्या वोल्कैनोज होता है ज्वालामुखी ठीक है ज्वालामुखी आ गए या भूकंप वगैरह ज्वाबनोज अर्थक्वेक इज द भूकंप अर्थक्वेक्स कोमा ओके कोमाज द फॉरेस्ट द फॉरेस्ट बरीड द फॉरेस्ट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट अंडर द अर्थ क्रस्ट अर्थ सरफेस and covered and covered by and covered by what and covered by sand and covered by sand clay and water okay due due to high temperature due to high temperature एंड प्रेशर ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इन द एबसेंस ऑफ एयर वुड को मम्मी वुड कन्वर्टेड इन टू इन टू कॉल दोस्तों एक सिंपल सी बात समझ लेते हैं क्या बताया है इन्होंने इन्होंने ये बताया है कि कॉल होता है कोल कैसे बनता है प्रीहिस्टोरिक प्लांट और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बनता है जो लाखों साल पहले धरती के अंदर दब चुके थे ओके okay? कुछ पीपल का मानना है कुछ लोगों का ये मानना है कि डेट मिलियंस ऑफ ईयर अगो लाखों साल पहले ड्यू टू वॉल्कनोज एंड अर्थक्वेक्स ड्यू टू वोकनोज एंड अर्थक्वेक्स कोल्कनोज और अर्थक्वेक की वजह से द फॉरेस्ट बरीड अंडर द अर्थ सरफेस फॉरेस्ट किसके अंदर दब गए वोल्कनोज आया जब उथल पुथल हुआ तो प्लांट जो ऊपर थे वो सब नीचे दब चुके और किससे कवर्ड हो गए सैंड से किले से और वाटर से कवर्ड हो गए पूरी तरीके से जब पूरे कवर्ड हो गए तो अंदर क्या हुआ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से किस किस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से क्या हुआ और दूसरी बात इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंदर एयर नहीं थी तो एयर के एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जो वो पेड़ दबे थे तो जो लकड़ी थी जो वुड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई कोल में कन्वर्ट हो गई ओके सम पीपल बिलीव डेट मिलियंस ऑफ ईयर गो ड्यू टू वॉल्कनोज एंड अर्थ क्वेक्स द फॉरेस्ट बरीड अंडर द अर्थ सरफेस एंड कवर्ड बाय सैंड क्ले एंड वाटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इन द दबसेंस ऑफ एयर वुड कन्वर्टेड इन टू कॉल किस में कन्वर्ट हो गई कोल में कन्वर्ट हो गई ओके दोस्तों तो ऐसे क्या बना है कोल बना है कुछ लोगों का ये मानना है तो कोल एक्चुअली बना तो ऐसे ही है बट कैसे लाखों साल लगते हैं कोल एक दो दिन में नहीं बनता इसको लाखों लाखों साल लग जाते हैं बनने के लिए क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है अब सिंपल वन लाइनर आंसर कहा जाए कि कोल बनता कैसे है

आज के लिए बस इतना ही था अब मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ एक नए टॉपिक के एक नई क्लास में एक नई एनर्जी के साथ तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें एक एनर्जी मिलती रहती है इससे हमें और वीडियो बनाने की इच्छा होती है तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद